हिंदुस्तान, यहाँ भीड़ थोड़ी ज्यादा है और सपने भी, ट्रेन्स और फ्लाईओवर्स भी ज्यादा है और रफ्तार भी। आइए मिलते हैं ऐसे ही परिवार से जो इस नए हिंदुस्तान नई दुनिया का हिस्सा है। यहाँ सुबह होती है फोन के साथ। आई, मेरा फोन देखा क्या? कब से ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रहा। आप अगर एक मिनट में फोन नहीं मिला ना, तो इस घर में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू। जरूर इन्होंने ही रखा होगा छिपाकर। मुझे कोई शौक नहीं है मोबाइल छिपाने का। दो मिनट के लिए आपका फोन दे देंगे। न्यूज़ देख रहा हूँ। खबरें भी आती हैं फोन पर। माँ जी, आपको आरती देखनी है ना? मेरे फोन पे देखिए। थैंक यू। कभी कभी ऑफिस भी घर ही आ जाता है। जी सर, फाइल नेटवर्क शेयरिंग फोल्डर पे है। या डबल क्लिक एंड यू विल गेट इट। अब ऑफिस हो या पर्सनल काम, मुलाकात का सबसे अच्छा तरीका है वीडियो कॉन्फ्रेंस। आप ऑफिस में ना होकर के भी ऑफिस का काम निपटा सकते हैं। यस संध्या, गेस व्हाट, बॉस को मैंने एक नया आईडिया दिया था, बहुत पसंद आया, ही लव्ड इट। इसे खुशी में सिर्फ मैं और तुम कल पिक्चर देखने जाएंगे ना। आई एम बुकिंग इट नाउ। क्या हो रहा है? मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। पर आपने तो लिपस्टिक अपने होंठ से ज्यादा अपने गालों पे लगा रखी है। बड़ी बनकर स्टार हो जाएगी। यादों का एल्बम भी फोन पर ही सज जाता है। देखो, मैंने मेरे सारे हेल्थ एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड कर दिए हैं। अरे रोज कितना पैदल चलता हूँ उसका रिकॉर्ड, क्या खाता हूँ, कितना खाता हूँ, कितनी कैलोरीज लेता हूँ उसका रिकॉर्ड। अरे मेरे हेल्थ के सारे रिपोर्ट्स के सब डेटा इसमें है। तुम्हें पता है बहू, मेरी बड़ी बहन बहुत ही बढ़िया राजमा बनाती थी, और टमाटर की चटनी पूछो ही मत। टमाटर की चटनी की रेसिपी आपकी बहन से ले लेंगे। लेकिन लगता है उसके पास वीडियो कॉल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं स्काइप कर लेती हूँ। खाना हो या रिश्तेदारों से मुलाकात का बहाना, फोन है ना। विकास के मम्मी पापा उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। मेरे फेसबुक अकाउंट से उसका पूरा प्रोफाइल चेक कर चुके हैं और उसे पता भी नहीं। हेलो भाभी। भाभी की कैसे याद आई आज? भाभी कुछ पैसे चाहिए थे, प्लीज भाभी प्लीज। मैं करती हूँ। जरूरतें पूरी होती हैं फोन पर। बच्चों को कोई चीज सिखानी है तो जरूरी है उस चीज को इंटरेस्टिंग कर दीजिए। फोन पे ही एनिमल, फ्रूट्स, फैमिली ट्री सिखाया जा सकता है। संध्या, मुझे वो पंचांग दिखाओ। जी माँ जी, ये लीजिए बेटी। ये प्रिया, मम्मी जी की जो बहन है ना, दिल्ली वाली, उन्होंने तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। एक मिनट रुको प्रिया, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। प्रिया ने ऑलरेडी लड़का पसंद कर लिया है। बेटी एटलीस्ट हमें बता सकती थी तुम। और संध्या, तुमने मुझे नहीं बताया क्यों? आप लोग ऐसे रिएक्ट करोगे, इसीलिए तो नहीं बताया। ये भी क्या कोई बात हुई क्या? मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होगा। एटलीस्ट उसका नाम तो बता सकती थी तुम। फेसबुक पे है क्या? संध्या एक बात बताओ, इतना सारा कमाल तुम करते कैसे हो, और वो भी अकेले? सच कहूं तो ये मैंने अकेले नहीं किया, 3G ने मेरा साथ दिया है। मेरे पूरे परिवार को साथ लाने में 3G का ही हाथ है। मेरी जिंदगी आसान कर दी है 3G ने। और वैसे भी जिंदगी में जब मुश्किलें कम हो तो मुस्कुराहट ज्यादा होती है। इस परिवार को जोड़ कर रखता है आइडिया 3G। आई यूज 3G लाइक दिस। कभी सोचा नहीं था जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी। आज अगर मैं कुछ हूँ तो इसमें 3G का ही हाथ है। मेरा तो एक भी दिन बिना 3G के नहीं बीत सकता। आई लव 3G। थैंक यू 3G।